हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपके घर के चैनल अभी स्टोर पे। तो आज अपन लोग अमर कंटक टूर पे थे और मैं सोचा कि चलो यहीं टाइम मिल गया मुझे, बाकी लोग घूम रहे थे तो सोचा एक वीडियो आपको बना ही बता देता हूँ। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं मिला है और आपको बता देता हूँ क्लियर कि 13 दिसंबर शाम को 7 बजे आदित्य आईडी का कमबैक होगा, रिफ्रेश से फुल रिफ्रेश। सभी के सभी बंदे शेयर कर दीजिएगा, स्टोरी बनाइए, मेक कीजिए, अपनी स्टोरी लगाइए, पोस्ट डालिए। तो बात कर रहे थे इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा जो टर्म कंडीशन है, क्या है रूल। सभी ध्यान दीजिएगा, फेसबुक का जितने भी रूल है ना, कोड चेकिंग से लेकर हर एक एक्टिविटी सेम टू सेम इंस्टाग्राम के लिए भी रहेगी, सेम रहेगा। टाइमिंग आपका फिक्स कर देता हूँ, देखो मॉर्निंग के 9 बजे से जो वॉचिंग चालू होगी फेसबुक में, तो वॉचिंग होगी लगभग 5 बजे तक, 5 बजे तक ही रहेगा। पहले 6 बजे तक होती थी, अब 5 बजे तक रहेगी। और मेंशन बैन का जो टाइमिंग है वो भी वही रहेगा, 1 से 5 रहेगा। 5 बजे लास्ट तक वॉचिंग होगा, उसके 6 बजे आपका पोस्ट आ जाएगा और फिर रेस्ट रहेगा। रेस्ट के बाद अपन लोग सीधा मिलेंगे आपका 7:30 बजे, 7:30 में अपन लोग मिलेंगे आपको सीधा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर प्लेस कर दे रहा हूँ, सर्च करने के लिए सोनू राजपूत ऐसा लिखिएगा, आपको अकाउंट मिल जाएगा, फॉलो करके रखिए। और यहीं पर फॉलोअर बढ़ाना है, कैसे करना है, क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और चलो आपको कुछ यहाँ पर मैं स्क्रीन के साथ आपको यहाँ शो कर देता हूँ। चलो पहले तो यहाँ पर आसपास जो एरिया है उसको देख लेते हैं। तो ये है अमरकंटक का बौद्ध मंदिर और ब्लॉगिंग का कंप्लीट जो अपन लोग जो घूमे थे ना, उसका कंप्लीट वीडियो इसके चैनल पर मिल जाएगा। चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ देख लेना, ये अपलोड कर दिया रहेगा। पीछे का जो मीनार देख रहे हो आप लोग, कुतुब मीनार बना रहे थे आई थिंक, बढ़िया है। मतलब सामने देखोगे ना तो अलग मज़ा आता है। और मोर इन्फॉर्मेशन आपको विक्की के चैनल में मिल जाएगा, एक वीडियो जो ब्लॉग हम लोग के साथ हैं, मतलब कम्प्लीटली जो ब्लॉग है अमरकंटक का, वो देख लेना। चलो मैं अब डायरेक्ट स्क्रीन पे चलता हूँ, स्क्रीन में आपको मैं समझाता हूँ कि कितना टाइम से कितना टाइम तक इंस्टाग्राम का कैसे फोकस करना है और फेसबुक का कैसे करना है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि इंस्टाग्राम में कैसे अपन लोग फॉलोअर बढ़ाने वाले हैं ना। 13 तारीख को रिफ्रेश से फेसबुक का सबको पता है 13 दिसंबर, और एक कोड भी है। तो 13 दिसंबर को अपन लोग रिफ्रेश करेंगे और फिर फेसबुक का पोस्ट आना चालू हो जाएगा लगभग इसी बीच में से कभी। तो जब से भी आएगा आपको फेसबुक में पता चल जाएगा कि पोस्ट की वॉचिंग ऑन हो गई है। आपको यहाँ मिल जाएगा फेसबुक में बायो में मेरा देखने को मिल जाएगा आपको कि कब से पोस्ट की वॉचिंग ऑन हो गई है। ठीक, जैसे पोस्ट की वॉचिंग ऑन होगी सेम टू सेम दिन से चालू होगा इंस्टाग्राम का भी वॉचिंग चालू हो जाएगा। अब करना कैसे है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो कैसे सपोर्ट करना है, कैसे आप फॉलोअर बढ़ा सकते हो, इंस्टाग्राम का कैसे बढ़ाओगे। फेसबुक में तो सबको पता है कि फॉलोअर भैया एकदम आँख बंद करके बढ़ाते हैं, सबका लाखों फॉलोअर कर चुके हैं बच्चे। और आपको जो नए बंदे अगर सुन वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, SR फैमिली के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो आप आके यहाँ पर देख सकते हो कि जो इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है इसमें सेकेंड जिसको मैं फॉलो करके रखा हूँ उस अकाउंट में आप आके यहाँ डिटेल देख सकते हो। इनका जितने लोग का कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट है इनको सर्च करके आप देख सकते हो उनके फॉलोअर्स कितने हैं, लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जेन्युइन रियल फॉलोअर्स आपको फ्री में मिलता है। तो आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ कंडीशन, कुछ टर्म रूल्स सबको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्प होगी। तो अब बात करते हैं, आप फेसबुक का फॉलोअर के बारे में सबको पता हो गया कि 13 दिसंबर को रिफ्रेश होगा, उसके बाद आपके फॉलोअर्स आपको आपके सपोर्ट के माध्यम से सपोर्ट कैसे करना है, सबको सिंपल सा मेथड है कि आपको टाइमलाइन पे सपोर्ट करना है, लाइक देना है। टाइमिंग बता देता हूँ फिर से मैं, यहाँ पर से 9 AM से वॉचिंग चालू होती है, मॉर्निंग के 9 बजे से वॉचिंग चालू होती है जो कि 12 बजे तक होती है। 12 बजे से 1 बजे अपन लोगों का रेस्ट रहता है, एक घंटे का जो रेस्ट रहता है 1 PM तक, 12 से 1 PM तक है ना वो रेस्ट रहता है, उस टाइम मैं वॉचिंग नहीं करता हूँ। तो 1 घंटे का रेस्ट मिल गया, उसके बाद फिर अपन का चालू होता है 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। पहले 6 बजे तक होता था लेकिन अब 5 बजे तक रहेगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अपन लोगों को फोकस करना है। ओके, तो अब बात करते हैं 5 बजे लास्ट जो पोस्ट होगा स्क्रीनशॉट, मैं देखो कैसे करता हूँ, सीधी बात है जो पोस्ट आता है ना न्यू पोस्ट उसका लाइक का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं हर एक घंटे में, जैसे मान लो 9 बजे से 10 बजे 1 घंटा हुआ, इस बीच में एक स्क्रीनशॉट, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक एक स्क्रीनशॉट, ऐसे करके टोटल लगभग 7 से 8 स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और उस स्क्रीनशॉट को आपस में मैं मर्ज करता हूँ, मैच करता हूँ, जिसका नाम सबसे ज़्यादा दिखता है मुझे लाइक में सपोर्ट करते हुए, या रिक्वेस्ट सेंडिंग में जो टाइम ना लाइकर को रिक्वेस्ट भी सेंड करते हैं, लाइक भी करते हैं, जो ज़्यादा देर तक टिके हैं मतलब सबसे बेस्ट, उनका आता है बेस्ट सपोर्ट में नाम। जैसे आप यहाँ पर पोस्ट देख रहे होंगे, कई लोगों को पोस्ट डाला हुआ है, देखिए आप 59, 82 ये सबको, यहाँ 50,000 से ज़्यादा लाइक सब में है। तो कहने का मतलब इनको मैं इतने लोगों के सामने पब्लिश करता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि एक दिन के सपोर्ट में अगर आपको 50,000 लोगों के सामने आपको हेल्प मिल रही है, तो अगर आप 20 बार 10 बार नाम लाओ तो आपके फॉलोअर कितना फास्ट भागेंगे सोच लो।
बात ही होती है। अब हो गया फेसबुक के बाद, अब इंस्टाग्राम पे कैसे फोकस करना है उसको बताता हूँ। तो सीधी बात हमने आपको बता दिया कि अपन लोग का क्या है, कब से इंस्टाग्राम का काम चालू होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाना सेम टू सेम जिस दिन से फेसबुक का चालू होगा उसी दिन वहाँ भी चलेगा। फेसबुक का जिस दिन रेस्ट रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक और एपी स्टोर, तीनों पार्टीशन सेम एक ही है, याद रखना। फेसबुक में अगर रेस्ट है, फेसबुक में पोस्ट नहीं आने वाला है, तो इंस्टाग्राम पे भी नहीं आने वाला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ एपी स्टोर में मिल जाता है। और जो भी ज्वाइन मेंबर हैं, जैसे आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ एपी स्टोर में जो ज्वाइन बटन है, यहाँ से जो भी फ्रेंड ज्वाइन करके रखा होगा उससे आप हेल्प ले सकते हो। जो ज्वाइन बटन यूज करके रखा है उनसे आप पूछ सकते हो कि यार रेस्ट कब है, वहाँ मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आज रेस्ट रहेगा। क्योंकि यार नॉर्मल सा मैं भी रोबोट नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी फैमिली मैटर सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो मैं वीकली वीक में 7 दिन का जो वीक रहेगा, 7 से 8 दिन का, उस पर अपन लोग 2 दिन का रेस्ट रहेगा। अब रेस्ट कब रहेगा आपको वहीं पता चलेगा ज्वाइंट मेंबरशिप में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये हो गया, आप इंस्टाग्राम पर कैसे फॉलोअर बढ़ाना है। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बच्चे को पहचानते हो निक को। अब इसके साथ हम लोग मिल के इंस्टाग्राम का प्रोग्रामिंग पूरा काम चालू हो चुका है। सब पिक लगा के रख, सब जेन्युइन एकदम रियल अकाउंट बना के रखा गया है। और इस अकाउंट से होगी आपकी वॉचिंग, कैसे वॉचिंग होगी, क्या चरण होगा, उसके बारे में अच्छे से डीपली सुनिएगा। वीडियो दोबारा मैं आपको बाद में एक्सपीरियंस होते जाएगा आपको और सिखाऊंगा। यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे अकाउंट बन चुके हैं, सब में रियल फोटो लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा रियल है कौन सा भैया का अकाउंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर से अकाउंट बनने के बाद इसका यूज कैसे होगा, कैसे मैं उसका यूज करने वाला हूँ। आपका टाइमिंग होता है इंस्टाग्राम को, जो टाइमिंग है अपन लोग सेकंड टाइम यूज करेंगे इंस्टाग्राम को, और मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर अपन लोग फेसबुक पे फोकस करेंगे शाम के 5 बजे तक। फेसबुक में 5 बजने के बाद पोस्ट आ जाएगा लगभग 6 बजे के आसपास, और अपन को 1.5 घंटे का फिर रेस्ट मिलेगा। सीधा अपन लोग मिलेंगे 7:30 बजे, 7:30, याद रखिएगा 7:30 से लेकर अपन लोग का जो कार्यक्रम है 2.5 घंटे होगा 10 PM तक, ओके 10 PM तक ही यहाँ इंस्टाग्राम पे होगा। और इस बीच में फेसबुक का पूरा टाइमलाइन अपन लोग का जो पोस्ट आएगा फिर ब्रेक ही रहेगा, कंटिन्यू 4-5 घंटा ब्रेक ही रहेगा। इसलिए ब्रेक रहेगा कि मैं चाहता हूँ कि सर फैमिली के सारे मेंबर इंस्टाग्राम पे भी साथ में मिलकर फोकस करें, ताकि आपके फॉलोअर देखे यार आपको मैं फेसबुक में हीरो बना दूँ, इंस्टाग्राम पे जीरो रहो, मुझे खुद मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी वैल्यू हर जगह में, हर एक प्लेटफॉर्म में आपकी हेल्प करूँ। तो आपको बस पार्टिसिपेट करना है खुल के। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट कैसे करना है, कहाँ पर सपोर्ट करना है। सबसे पहले तो आपको आना है सोनू राजपूत सर, आपको फॉलो करके रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो एपी स्टोर में जो कोड मिलता है, जैसे आज का कोड था 13 दिसंबर है ना, तो जो कोड एपी का कोड है, मतलब एपी स्टोर का जो कोड है, वो कोड आपको इंस्टाग्राम पर भी अप्लाई करना है। कोड आपको यहाँ लिखना है अपने बायो पे, बायो के लिए एडिट प्रोफाइल पे जानी है, और यहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन जो बायो सेक्शन है यहाँ पर आपको लिख देना है 13 दिसंबर, जैसे जो भी कोड है। और हर सब्सक्राइब करके तो एकदम रखिएगा, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते 15 दिन में कोड चेंज होते रहते हैं। तो कोड कौन से वीडियो में है वो आपको ही पता करना पड़ेगा, आपको 5 मिनट निकाल के तो टाइम दे ही सकते हो। एपी स्टोर का वीडियो देख लीजिएगा और कोड अप्लाई जरूर कीजिएगा। मैं क्या क्या मैच करूँगा, पहला मैच करूँगा कि आप एस आर फैमिली से हो मुझे कैसे पता चलेगा, सोनू राजपूत लिखने से या फिर एस आर फैमिली से लिखने से नहीं हो जाते आप SR फैमिली। आपका पहचान होता है कि कोड से, आप अगर कोड मेंटेन करते हो, मतलब हमेशा एक्टिव कोड लगाते हो, तो मेरे साथ साथ मेरे जितने भी बंदे हैं सबको पता चलता है कि हाँ आप एक्टिव पर्सन हो, आपको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर उनको भी फॉलो करोगे, या फिर आप उनको लाइक बैक करोगे, या फिर मतलब प्यार दोगे, कहने का मतलब सीधी सी बात, ओके। तो आपको कोड लगाना फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम में अनिवार्य है। तो सारे बंदे जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको कोड लगा लीजिएगा। तो 2 चीज़ हो गया, पहला चीज़ फॉलो कर लीजिए, सेकेंड चीज़, और फॉलो इसलिए बोल रहा हूँ, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं, मेरे ऐसी बिना बोले फॉलोअर इतने पड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फॉलो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिमिलर बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका आप इतना मेहनत कर रहे हो और कहीं आप किसी और को फॉलो करके बैठे हो, क्योंकि सोनू राजपूत आप सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे फेक अकाउंट दिखते हैं। जबकि मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा कोई भी फेक अकाउंट नहीं है, पहला अकाउंट ये है मेन अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपको यहाँ पर मैं फॉलो करके रखा हूँ, उसके भी 1 लाख+ फॉलोअर हो चुके हैं। आपको पहले फॉलो करना है और बेल आइकन को दबा देना, बेल आइकन में दबाने के बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देना, पोस्ट पे कर देना, ताकि मैं कुछ भी पोस्ट डालूंगा, स्टोरी या पोस्ट दोनों को कर लेना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्टोरी से भी आपको मिलेगा, फिर दोनों को ऑन कर देना, एक इतना कर दीजिएगा फॉलो करके। अब बात कर लेते हैं सीधा काम के बाद, आपको करना कैसे है, कैसे सपोर्ट करना है, जो 2.5 घंटे का क्या मेथड है ना, मतलब 7:30 बजे से जो भैया बोल रहे हो कि वॉचिंग करोगे 10 बजे तक, कैसे वॉचिंग करोगे,
और कैसे नाम आएगा, कैसे हम लोग का फॉलोअर बढ़ेगा, तो ये सवाल होता है ना। चलो आप इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नंबर वन, फॉलो कर लिए अपन लोग बेल आइकन जो है इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन का, उसको ऑन कर लिए। नंबर थ्री, कोड लगा लिए। ओके, अब नंबर फोर, पहला चीज़ आप फेसबुक में भी 2 घंटे कम से कम 1-2 घंटे आप सपोर्ट जरूर करते होंगे, तभी इंस्टाग्राम पे मैं पुश करूँगा। फिर से बता दे रहा हूँ, आपको फेसबुक पे टाइम निकालना ही पड़ेगा 9 बजे से 5 बजे के बीच, 9 AM से लेके 5 PM के बीच में 1-2 घंटे आपको चेहरा दिखा देना है, ताकि मुझे ये प्रॉपर रहे कि आप फेसबुक में भी मेरे फ्रेंड हो, फैमिली के हिस्सा हो, और FB स्टोर का कोड लगाया हो, मतलब वहाँ से भी एक्टिव हो और इंस्टाग्राम से भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम को मैं पुश कर रहा हूँ या फेसबुक को ही करूँगा, नहीं, मैं दोनों जगह करूँगा। इसलिए आपको नंबर थ्री, नंबर फोर हो गया, आपको पता चल गया। नंबर फोर, आपको फेसबुक में 1-2 घंटा टाइम निकाल के सपोर्ट दे ही देना है, 9 बजे से लेके भाई बीच में दे दो, जब भी देना हो 9 बजे से 5 बजे के बीच में 1 से 2 आवर टाइम जरूर निकालना है, तभी आप इधर वेरीफाई में पास होंगे। अब यहाँ पास करना क्या है, स्टेप वन, इसको ध्यान दीजिएगा, ये है टाइम लाइन। जैसे फेसबुक का टाइम लाइन है ना, वैसे यहाँ इंस्टाग्राम का टाइम लाइन, इसको क्लिक करनी है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोटो आ रहे हैं, एक रिफ्रेश करूँगा बंदे का फोटो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं रिफ्रेश किया और लड़के का फोटो यहाँ आ गया। आपको करना क्या है, 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक आपको यहाँ लाइक मारनी है। ध्यान दीजिएगा, आपको उसी अकाउंट से मारनी है लाइक जिससे मतलब आपको चाहिए कि आपका प्रमोट हो, अपने मेन अकाउंट से आपको यहाँ लाइक करना है। लाइक करने के बाद क्या करना है मैं बताता हूँ आगे। एक काम आपको करना है, 7:30 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे से आपको पता चल जाएगा। जैसे फेसबुक में अगर पोस्ट आया ना, समझ जाना कि आज इंस्टाग्राम का भी पोस्ट आने वाला है। इंस्टाग्राम में पोस्ट कैसे आएगा, मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं डालने वाला हूँ, जैसे फोटो डाल रहा हूँ ऐसे पोस्ट नहीं डालूंगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा, फॉलोअर आपको उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यार हर कोई को यहाँ प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ऐसे जाके यहाँ खोलना पड़ेगा, उसके बाद आदमी फॉलो करेगा, है ना, ऐसा करना पड़ेगा, तो इसमें आपके फॉलोअर उतना ग्रोथ नहीं होंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आज तक सोनू राजपूत किसी को फॉलो नहीं किया है, अब मैं फॉलो बैक देने वाला हूँ। तो याद रखिए, आपको 7:30 से लेकर 10 बजे तक, बस ओनली, दिन में छोड़ो, हम लोग 2.5 घंटे में इतना हिला देंगे ना इंस्टाग्राम में, आप लोगों का फॉलोअर इतना इंक्रीज करा दूंगा कि साला फट जाएगा मार्क चचा का भी, ठीक। तो आपको मैं फॉलो बैक करूंगा, कितना टाइम से फॉलो बैक, मतलब ये पोस्ट है, समझ लें आप, पोस्ट डलेगा, मैं आपको फॉलो करूंगा, कितना टाइम फॉलो होगा, लगभग 10 बजे तक वॉचिंग होगी, तो मान लो 11:30 हो जाएगा, 10:30 मान लो, 10:30 से लेके 11 PM तक आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि किसको किसको मैं फॉलो किया, जो जो बंदा अच्छा सपोर्ट किया है उनको मैं फॉलो बैक करूँगा। और कैसे पता चलेगा उसके बारे में भी, मैं प्रॉपर लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन फिर भी इसी में बता देता हूँ ताकि आपको जानकारी रहे। यहाँ पर फॉलो बैक करूँगा 10:30 से 11 बजे के बीच, ठीक, 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच। तो आपको करना क्या है, जिसको भी मैं फॉलो किया हूँ, आँख बंद करके सारे मेंबर उनको फॉलो कीजिएगा, जितने सर फैमिली के सारे मेंबर, मैं आप लोगों को एकदम क्या बोलते हैं, दिल से बता रहा हूँ। और ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो आपके फॉलोअर भी नहीं बढ़ेंगे। तो आपको बस इंस्टाग्राम को भी एक्टिव रखना है, मैं 2-4 वीडियो अभी कंटिन्यू लेसन टू लेसन दूंगा कि कैसे एक्टिव रखते हैं, कैसे फॉलोअर बढ़ता है। कई लोगों का फॉलोअर डाउन होता है इंस्टाग्राम में, तो कई लोगों का बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत सारा लोचा रहता है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको FB स्टोर में ही मिलेगा। तो सबसे पहले बता दिया, यहाँ पर जो भी अच्छा सपोर्ट किया है टाइमलाइन पे, यहाँ टाइमलाइन पे उनको मैं फॉलो करूँगा, कितना टाइम से कितना टाइम तक फॉलो रहेगा आपको मिलेगा, 10:30 बजे से मान लीजिए 10:30 से 11 बजे के बीच आपको हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए हर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कमिंग सून योर फॉलोअर इंक्रीज फॉर फ्री, और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है NEPIC अपडेट, है ना, हर एक जानकारी यहाँ बायो में ही अपडेट होते रहेगा, जैसे फेसबुक में होता है स्टोरी में आते रहेगा, बायो में अपडेट होते रहेगा कि यहाँ पोस्ट आने वाला है क्या है। और जिसको भी मैं फॉलो करूँगा, जितने भी जो अच्छे सपोर्ट किए रहेंगे 2.5 घंटे में, उनको मैं फॉलो बैक करूँगा, और आपको उनको फॉलो करना है, ज़्यादा नाम नहीं रहेगा, लगभग मैक्सिमम मान लीजिए 50 से 100 नाम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बार अगर सबको मैं चाहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक, तो उससे कम ही रहेंगे। जो जो बंदा अच्छा सपोर्ट करेगा उसको मैं कैसे चेक करूँगा वो बताने वाला हूँ। अरे फॉलो बैक जो रहेगा ना, 10:30 बजे से लेकर 12 बजे 1 बजे तक रहेगा, 1 PM तक मान लो, उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा, फिर दूसरे दिन के लिए दूसरे बंदे का, जिसका जिसका लक हो, जो अच्छा अच्छा सपोर्ट किया है। अब बात करते हैं सपोर्ट कैसे चेकिंग होगा। तो बात यहाँ पर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको।
जैसे आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख रहे हो, कई सारे अकाउंट जो बने हुए हैं, इस सब अकाउंट को ऐसा वेरीफाई करेंगे ना अपन लोग कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि रियल है कि भैया का अकाउंट है कि किसका अकाउंट है। ओके, ऐसे बहुत सारे अकाउंट है मेरे पास ऑलरेडी और कई अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे कि ये जो 2.5 घंटे का है ना, इसको 5 पार्ट में कर रहा हूँ, 5 पॉइंट में वर्क करेगा। नंबर 1 पॉइंट है 7:30 बजे, 7:30 से मतलब 7:30 से लेकर 7:40 हो गया, 7:45 हो गया, इस बीच में मैं टाइमलाइन पे एक फ़ोटो छोड़ूंगा। इसी जो फोटो देख रहे हो ना, इसी के बीच में मेरा एक फ़ोटो आएगा, कोई सा भी फ़ोटो हो, किसी का भी फ़ोटो हो सकता है, पेड़ पौधा, छिपकली लड़की, किसी का भी आ सकता है, समझ जाओ उसमें से कोई भी अकाउंट मेरी हो सकती है। तो ऐसे 7:30 बजे से लेके 7:30 से लेके 8 बजे के बीच एक फ़ोटो आएगा, फिर 8 बजे से लेके 8:30 के बीच में, 8 से 8:30 के बीच में एक फिर फोटो आएगा। ऐसे करके मैं 2.5 घंटे में 5 पॉइंट दूंगा, 5 पॉइंट मतलब 5 फोटो अपना इस टाइमलाइन पे डालूंगा, जिस और मैं 5ों का लाइक का स्क्रीनशॉट को चेक करूंगा, जैसे फेसबुक में करता हूं वैसे इंस्टाग्राम का भी लाइक को मैं चेक करूंगा। जिस बंदे का लाइक हर एक फ़ोटो में फंसा हुआ है, वो बंदे ने बहुत मेहनत किया है, उसको, उस बंदे को मैं फॉलो बैक यहां से दूंगा। और उसके फॉलोअर आप लोग को फॉलो करना है, क्योंकि आप भी पास हो गए, आपको भी पब्लिक फॉलो करेगी और आपको करना ही है। जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा रखा हुआ होगा अकाउंट, जैसे कि मान लो जैसे मैं सिंगल रखा हूँ, 0 करके रखा हूँ, कोई बंदे ऐसे किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको ही फॉलो करें, तो ये आपको फॉलो क्यों करेगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान देना। आप पब्लिक के लिए कुछ करोगे तभी आपके लिए पब्लिक करेगी, तो आपको फॉलो करनी ही है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका ये सब 0 दिख रहा है, तो आपको मैं यहाँ से फॉलो बैक दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भाई दिल जोड़ने वाला काम करता हूँ, किसी का एटीट्यूड या घमंड बढ़ाने वाला काम नहीं करता। ठीक, तो सारे के सारे बंदे आपको याद रखना है, फॉलो करना है, और जिसको मैं फॉलो किया उसको आपको फॉलो देना ही है। तो सारा रूल आई थिंक समझ में आ गया, फिर से मैं क्लियर क्लियर साफ साफ बता देता हूँ। 1, रिफ्रेश है 13 तारीख को फेसबुक में, और यहां से जैसे पोस्ट चालू होगा पोस्ट की वाचिंग, सेम उसी दिन से इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की वाचिंग चालू हो जाएगी, ये टाइमलाइन है। ठीक, 2 है आपको कोड अपडेट करना है, फेसबुक में जैसे कोड अपडेट करते हो सेम इंस्टाग्राम पे भी करना है, उसके लिए आपको FB Show सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। 3 बात करते हैं, कोड हो गया, 3रा आके फॉलो करके यहाँ बेल आइकन रहते हो उसको प्रेस करके रख लिया रहना, ताकि स्टोरी पोस्ट बायो जो भी है सबको आपको इन्फॉर्म होता रहे, क्योंकि एकदम मतलब सोनू भैया अगर भीड़ रहे हैं किसी चीज़ में तो मतलब कुछ अचीव ना कर दें आप लोगों के लिए तो साला लालत है ज़िंदगी। तो इंस्टाग्राम पे आपको मैं बोला हूँ 50,000 फॉलोअर, फेसबुक में तो लाखों दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम में 50 बोला हूँ मतलब लाखों में मिलेगा आपको, टेंशन मतलब। लेकिन आपको दिल से यार जैसे जैसे बता रहा हूँ, 2.5 घंटे का काम है, 2.5 घंटे में अगर आपको अगर इतना फॉलोअर मिलना चालू हो गया तो समझ लो कितनी बड़ी बात होती है। ओके, आशा करता हूँ सारा बात समझ में आ गया होगा। टाइमलाइन आपको यहाँ मिलता है, और क्या बोलते हैं फॉलो किसको करना है यहाँ से आपको पता चलेगा, स्टोरी और बायो में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कितना टाइम से कितना टाइम तक वॉचिंग हो रहा है। अरे टाइमलाइन ब्रेक भी होता है, ठीक, टाइमलाइन का मैं ब्रेक कर दिया करूँगा, जब फेसबुक में पोस्ट आएगा ना तो टाइमलाइन ब्रेक रहेगा, ब्रेक का एक पोस्ट आएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। जैसे फिर 7:30 बजे का मैं टाइमलाइन ओपन करूँगा, यहाँ पर पोस्ट आने चालू हो जाएंगे और आपको बस भिड़ना है। उससे पहले देखो मान लो कोई सोचेगा कि मैं 7 बजे से भिड़ जाऊँगा पोस्ट, 7 बजे टाइमलाइन बंद रहेगा इंस्टाग्राम का टाइमलाइन, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैं ब्रेक कर दूंगा टाइमलाइन, सीधा 7:30 बजे खोलेंगे और 10 बजे तक चलेगा, 10 बजे फिर ब्रेक हो जाएगा टाइमलाइन, ताकि क्या बोलते हैं 10 बजे अपन लोग मैं पोस्ट जो है वॉचिंग कर लूँगा, उसके बाद जब सबका फॉलो जो हो जाएगा उसके बाद रात को टाइमलाइन ओपन हो जाएगा। तो आपको बस फिर से टाइमिंग यार लास्ट कन्फ्यूजन मत होना, मैं बता देता हूँ, 9 AM से लेके 5 PM तक फेसबुक, और इंस्टाग्राम में 7:30 से लेके रात के 10 बजे तक इंस्टाग्राम, इस बीच में फेसबुक का टाइमलाइन बंद रहेगा, और जब फेसबुक में रहेंगे तो इंस्टाग्राम पे वॉचिंग नहीं होगी। ठीक, आशा करता हूँ सारा डिटेल समझ में आ गया। तो अब एक राज की बात ये है कि जो जो ज्वाइन मेंबरशिप लेके रखे हैं उनसे दोस्ती बढ़ा के रखना, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि भाई मेरे आज पोस्ट नहीं आने वाला है, भैया आज रेस्ट पे है, मतलब मैं रेस्ट पे हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे भी रेस्ट पे हूँ, फेसबुक पे भी, ना इंस्टाग्राम का पोस्ट आएगा ना फेसबुक का आएगा। वीकली हफ्ते में मैं 2 दिन का रेस्ट मारूंगा, हफ्ते में 2 दिन का रहेगा, वो कब रहेगा आपको वहीं पता चलेगा। ऑल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कैसे टाइमलाइन ब्रेक करते हैं, कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग अकाउंट बनाना है।